श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि अगर आप घर में खुशहाली चाहते हैं तो शास्त्रानुसार आपको 9 काम करने चाहिए। हमारे शास्त्रों में कई काम ऐसे बताए गए हैं जिनका पालन यदि किसी परिवार में किया जाए तो परिवार पीढ़ियों तक खुशहाल बना रहता है। आइए हम आपको बताते हैं कि शास्त्रों में वो 9 काम कौन से हैं। पहला है कुल देवता पूजन और श्राद्ध। जिस कुल के पितृ और कुल देवता उस कुल के लोगों से संतुष्ट रहते हैं उनकी 7 पीढ़ियां खुशहाल रहती है। हिंदू धर्म में कुल देवी का अर्थ है कुल की देवी। मान्यता के अनुसार हर कुल की एक आराध्य देवी होती है जिनकी आराधना पूरे परिवार द्वारा कुछ विशेष तिथियों पर की जाती है। वहीं पितृ तर्पण और श्राद्ध से संतुष्ट होते हैं। पुण्य तिथि के अनुसार पितृ का श्राद्ध और तर्पण करने से पूरे परिवार को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। फिर जूठा और गंदगी घर से दूर रखें। जिस घर में किचन में खाना बिना चखे भगवान को अर्पित किया जाता है उस घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि घर पर हमेशा लक्ष्मी मेहरबान रहे तो इस बात का ध्यान रखें कि किचन में जूठन न रखें, वह खाना भगवान को अर्पित करने के बाद ही जूठा करें। साथ ही घर में किसी तरह की गंदगी जाले आदि न रहे इसका खास ध्यान रखना चाहिए। खाना बनाते समय पहली रोटी गाय के लिए निकालें, मछली को आटा खिलाएं, कुत्ते को रोटी दें, पक्षियों को दाना डालें और चींटियों को चीनी और आटा खिलाएं। जब भी मौका मिले इन 5 में से एक को जरूर भोजन करवाएं। फिर अन्नदान। दान धर्म पालन करने के लिए अहम माना गया है। खास तौर पर भूखों को अनाज का दान आर्थिक और धार्मिक नजरिए से बहुत पुण्यदायी होता है। संकेत की सक्षम होने पर ब्राह्मण गरीबों को भोजन या अन्य दान से मिले पुण्य अदृश्य दोषों का नाश कर परिवार को संकट से बचाते हैं। दान करने से सिर्फ एक पीढ़ी ही नहीं 7 पीढ़ियों का कल्याण होता है। फिर वेद और ग्रंथों का अध्ययन। सभी को धर्म ग्रंथों में छुपे ज्ञान और विद्या से प्रकृति और इंसान के रिश्तों को समझना चाहिए। व्यवहारिक रूप से परिवार के सभी सदस्य धर्म कर्म के साथ ही उच्च व्यवहारिक शिक्षा को प्राप्त करें। फिर तप। आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए तप मन शरीर और विचारों से कठिन साधना करें। तप का अच्छे परिवार के लिए व्यवहारिक तौर पर मतलब यही है कि परिवार के सदस्य सुख और शांति के लिए कड़ी मेहनत परिश्रम और पुरुषार्थ करें। फिर पवित्र विवाह। विवाह संस्कारों को शास्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। यह 16 संस्कार में से पुरुषार्थ प्राप्ति का सबसे अहम संस्कार है। व्यवहारिक अर्थ में गुण विचारों और संस्कारों में बराबरी वाले सम्मानीय या प्रतिष्ठित परिवारों में परंपराओं के अनुरूप विवाह करना चाहिए। विवाह संबंध 2 कुटुंब को सुख देता है। उचित विवाह होने पर स्वस्थ और संस्कारी संतान होती है जो आगे चलकर कुल का नाम रोशन करती है। फिर इंद्रिय संयम। कमेंद्रियां और ज्ञान इंद्रिया पर संयम रखना चाहिए। इसका मतलब है परिवार के सदस्य शौक मौज में इतने न डूब जाएं कि कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को भूलने से परिवार दुख और कष्टों से गिर जाए। फिर सदाचार। अच्छा विचार और व्यवहार। संदेश है कि परिवार के सदस्य संस्कार और जीवन मूल्य से जुड़े रहें, अपने से बड़ों का सम्मान करें, रोज सुबह उनका आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें ताकि सभी का स्वभाव चरित्र और व्यक्तित्व श्रेष्ठ बना रहे। स्त्रियों का सम्मान करें और पर स्त्री पर बुरी निगाह न डालें। ऐसा करने से घर में हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।